नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का असली चेहरा दिख गया है। सरकार बनने के मात्र महीने के अंदर उल्टी गिनती शुरू होगी। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के कांग्रेस से छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने वाले चेहरे पर भी सवाल पर चुप्पी साध गए। ग्वालियर चंबल अंचल में महिला अपराध की बात करें तो बेटी और बहनों के साथ हर रोज रेप की घटनाएं हो रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस ने निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहे, तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। और एक अभियोग आरोप लगाया कमलनाथ जी की बीजेपी से सांठगांठ थी। उस सांठगांठ जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। उस आरोप के बाद आप लोगों ने उनको नोटिस भी दिया, उन्होंने मुझे से जवाब दिया और क्या कमलनाथ पर जो आरोप है वो आरोप क्या सही है या गलत? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर वन जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात रखी है। नंबर दो, क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्हें नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें स्पष्ट आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता है और जो उनमें जितनी उनमें क्षमता है संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर्वाधे पर आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासन हिंता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल, जीतू भाई आपके जानकारी है तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारे महापौर जी उपस्थित थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस की जीत हूँ। अब मैं मानता हूँ कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूँ, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए अब जब बात आपने सवाल पूछी दिया है ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिला अध्यक्ष विधायक मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल जिला जो आज एक भी किसी भी पद पर इनने सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूँ, अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में अब वो कहाँ है, जो मंत्री थे वो कहाँ है, जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ है, जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा उसमें से किसके पास मलई गई है और कौन लोग रोड पे है ये पूरा ठीठा है। तो मैं मानता हूँ कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते, तो अब कांग्रेस के लिए भावना नहीं है। प्रधानमंत्री को गलत दिया गया है जो भाषण दिया गया आपका क्या अध्यक्ष जी बीजेपी कह रही है 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या कहते भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती दे रही और आपके वोट को भी चुनौती दे, देश के वोट को चुनौती दे। अगर इस तरह की उनकी भावना है मुबारक,
पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। क्या तो सवाल क्या है? नहीं, हम राम मंदिर का मुकाबला किसी भी राम राम हमारे हैं, राम सबके हैं और जन जन में है राम, कण कण में है राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बहुत देर अब चूंकि अब मैं आप सबने मिलकर जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट देना चाहती है, कांग्रेस का इसमें क्या मतलब? मैं आपसे जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की भावनाओं से चलती है। हमारा विश्वास है कि जो जिस धर्म का है उसको पूरी स्वतंत्रता है धार्मिक आधार पर आस्थाओं के साथ अपनी मान्यताओं को पूर्णता दी। जो कांग्रेस पार्टी में हमारे हिंदू परिवार के साथीगण है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं कि वो 100% इस भावना को, राजनीतिक भावना को भारतीय जनता पार्टी में समझते हैं। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की रणनीति का, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़, वो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार उसका क्या हुआ? ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।